विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कुनकुरी सीट से चुनाव जीत गए हैं। तो अब नतीजे सामने आने लगे हैं। ये वो से उन आगे तस्वीरों का जिक्र जब हम कर रहे थे, देखिए शिवराज सिंह चौहान हनुमान बने हैं और उन्होंने अपने कंधे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रखा है और ये पोस्टर जनता लेकर आई है। शिवराज सिंह चौहान हनुमान के रोल में यहाँ दिख रहे हैं और कंधे पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए बड़ी बात ये है कि शिवराज सिंह चौहान जिस कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उनका नाम क्या है, क्या है उनका नाम आप लोग बताइए। उनका नाम है बिक्रम मस्ताल और उन्होंने कौन सा रोल किया था, उन्होंने रोल किया था हनुमान का और इसीलिए तस्वीरें हैं आपके सामने। हनुमान की तस्वीर, शिवराज सिंह चौहान हनुमान के रोल में है और इसके साथ ही साथ देखिए जनता, जनता ने जो मैंडेट दिया है वो हमें बताना पड़ेगा। नो डाउट हम निष्पक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और सबके साथ, लेकिन जो आज जनता जीती है ये जनता का जनादेश है हितेश जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पीछे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद आपको दिख रहे हैं और ये तस्वीर साफ तौर पर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और शिवराज सिंह चौहान ने उनको माला पहना और ये देखिए ये प्रतिमा भी हम आपको दिखा रहे हैं। माल्यार्पण किया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव और उसके साथ शिवराज सिंह चौहान भी। एक तरफ मध्य प्रदेश की तस्वीरें और एक तरफ छत्तीसगढ़ की तस्वीरें। जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी अब मनाना शुरू हो चुका है। तो तस्वीर साफ हो चुकी है, तीन बज चुके हैं, जैसा हम लगातार कहते हैं अब कोई गुंजाइश नहीं बची है इसमें उलटफेर होने की। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की तरफ 168 सीट, देखिए जितने भी एग्जिट पोल थे यहां तक किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। तो मध्य प्रदेश की जनता ने आज अपने फैसले से चौंकाया है। छत्तीसगढ़ में 55 सीट पर बीजेपी है और अगर यहीं पर आंकड़ा रुकता है तो अब तक भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव हुए हैं इस आंकड़े पर नहीं पहुंची है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में भी सबसे बड़ी जीत है।